मेरे को सबसे अच्छा तब लगता है जब लोग मेरे को हरियाणा का लाल बोलते हैं। हरियाणा मेरी जन्मभूमि है और जन्मभूमि माँ के समान होती है। माँ का कर्जा आदमी 7 जन्म में भी नहीं चुका सकता। जन्मभूमि का कर्जा आदमी 7 जन्म में भी नहीं चुका सकता। आज मुझे बेहद खुशी है अपनी जन्मभूमि में कुरुक्षेत्र की धर्मभूमि में आज यहाँ पे आपके बीच में आके। सबसे पहले अभी बता रहे थे कि कल तूफान आया था, यह शुभ संकेत है। कह रहे हैं तूफान पंजाब से आया था। बता रहे हैं तूफान दिल्ली से आया था। तो हरियाणा में तूफान आने वाला है और बड़ा तूफान आने वाला है। और जब ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है तो तूफान ही आता है। ऊपर वाले ने झाड़ू चलानी शुरू कर दी तो तूफान से घबराने की बात नहीं है। बड़ा शुभ लक्षण है कि कल तूफान आया था। सबसे पहले मैं हरियाणा के सारे किसानों को बधाई देना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हरियाणा के और पंजाब के किसानों ने झुका दिया। 1 साल तक आंदोलन किया, 1 साल तक 36 बिरादरियों ने मिलके, सारे धर्म के लोगों ने मिलके 1 साल तक सिंगू बॉर्डर पे जमे रहे। इनको लगता था इतनी बारिश आएगी, धूप थी, बारिश थी, ठंड थी, गर्मी थी, लेकिन किसान हटे नहीं। अंत पंत में सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़े दोस्तों। कहते हैं ना, अहंकार तो रावण का भी नहीं बन चलता। इनको घमंड हो गया था कि इनके सामने किसी की नहीं चलेगी। तो दोस्तों, त्रेता युग में रामचंद्र जी ने रावण का घमंड तोड़ा था। द्वापर युग में कृष्ण जी ने कंस का घमंड तोड़ा था और कलयुग में किसानों ने भाजपाइयों का घमंड तोड़ा था। मैं सारे किसान भाइयों को बधाई देना चाहता हूं। दोस्तों, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। मैं सीधा काम करना आवे मेरे ते कितना ही काम करा लो। दिल्ली में हमने स्कूल ठीक कर दिए, सरकारी स्कूल। सुना आप लोगों ने दिल्ली के स्कूल शानदार हो गए? किस किस ने सुना है, हाथ खड़े करके बताओ। दिल्ली में सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं भाई साहब, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था, जैसे हरियाणा के स्कूलों का बुरा हाल है। हरियाणा में भी सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, मैं देख के आया था। दिल्ली में भी सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था। हमने पिछले कुछ सालों में, 7 सालों में दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए। आप कहोगे केजरीवाल अपनी बड़ाई खुद ही कर रहा है। इस बार हमारे सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.7% नतीजे आए हैं, 99.7%। इतिहास में, 70 साल के भारत के इतिहास में सरकारी स्कूलों के नतीजे ऐसे नहीं आए। और भाई साहब, इस साल 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूलों में भर्ती कराए हैं अपने बड़े बड़े। अब अमीर लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं। जब वो इंडिया आए तो उनकी पत्नी भी उनके साथ आई थी। पत्नी का नाम है मिलेनिया ट्रंप। ट्रंप साहब आए थे ना 2 साल पहले अपने भारत मोदी जी से मिलने। तो जब उनकी पत्नी भी उनके साथ आई
तो उनकी पत्नी मोदी जी को बोली, मैंने केजरीवाल के स्कूलों के बारे में बहुत सुना है, मैं उसका स्कूल देखना चाहती हूं। मोदी जी ने बहुत समझाया, बहन मान जा, केजरीवाल के स्कूल में मां ना जा, मैं अपने स्कूल दिखा दूंगा, मैं बीजेपी वालों के स्कूल दिखा दूंगा, मैं प्राइवेट स्कूल। बोली ना, मैं तो केजरीवाल के स्कूल देखूंगी। माननी नहीं वो माननी नहीं मोदी जी की बात, वो हमारे स्कूल देखने आई। बड़ी बात होगी भाई साहब, अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी केजरीवाल के स्कूल देखने आई, कुछ तो कर ही रखा होगा हमने, कुछ तो कर ही रखा होगा हमने। मैं पूछना चाहता हूं, ये हरियाणा के खट्टर साहब के स्कूल कौन देखने आया? कोई आस पड़ोस का कोई श्रीलंका वाला ही आ गया वो देखने? कोई, चलो बाहर वाले छोड़ो, कोई अपने देश का ही कोई देखने आया हो इनके स्कूल? अबे कुछ करोगे तभी तो कोई देखने आएगा तुम्हारे स्कूल। कोई दोस्तों।